सड़क पानी और स्वच्छता के लिए सिडको के खिलाफ मोर्चा, नगर सेविका हर्षदा उमर उपाध्याय ने किया आंदोलन, प्रशासन के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। पानी सिडको प्रशासन, सिडको प्रशासन, पानी विकसित नोड के रूप में मशहूर खारघर के सेक्टर 3 और 4 इलाके के सैकड़ों नागरिकों ने भाजपा नगर सेविका हर्षदा अमर उपाध्याय के नेतृत्व में सिडको कार्यालय पर मोर्चा निकाला और इलाके की बदहाल हुई सड़क, टूटे हुए फुटपाथ और गटर एवं जानलेवा बने ड्रेनेज को तत्काल सुधारने एवं परिसर को स्वच्छ करने की मांग की। तस्वीर में दिख रहा यह नजारा खारघर के उसी प्रभाग 6 इलाके का है जो सिडको की भारी उपेक्षा का सबूत देता है। स्थानीय नगर सेविका हर्षदा उपाध्याय एवं युवा नेता अमर उपाध्याय ने कहा कि प्रभाग 6 के तमाम इलाकों में जलापूर्ति, सड़क की बदहाली और स्वच्छता की समस्या है। इससे जनता मुसीबत में है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और इसीलिए मोर्चा निकालना पड़ा। पिछले कई महीनों से हम सिडको के साथ फॉलोअप कर रहे थे कि हमारी मूलभूत सुविधा को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम सब जानते हैं कि कोरोना के काल में थोड़ा सा डिफिकल्टी है प्रशासन के लिए भी, लेकिन कितना दिन, कितना समय, कितने महीने हमने रुकना चाहिए। हम लगातार पत्र में पत्र सिडको को दे रहे थे, फॉलोअप भी कर रहे थे, लेकिन सिडको की तरफ से कोई जवाब और ना ही कोई हलचल दिख रही थी। फाइनली लोगों की मदद से नगर सेविका हर्षदा उपाध्याय के नेतृत्व के नीचे आज जब 150 से 200 नागरिकों ने जब आंदोलन का इशारा दिया और आज वो उतरे भी, तब जाके सिडको को जाग आई और सिडको ने फिर लेखी में ये दिया हुआ है जो हमारी समस्या थी, जैसे पानी की समस्या थी जो सोसाइटी को, उनको उनका लाइन बढ़ा के दिया जाएगा। रोड की समस्या थी तो रोड के लिए उन्होंने ये पत्र दिया हुआ है ताकि जल्द से जल्द काम चालू करेंगे। और उसी के साथ साथ जो ओवरलाइन ड्रेन का जो प्रॉब्लम था, आंदोलन जब उन्हें मालूम पड़ा कि सिडको ऑफिस में आ गया है, सिडको के एक भी कर्मचारी को किसी भी नागरिक ने अंदर जाने नहीं दिया, कामकाज बंद था, तब जाके सिडको के अधिकारियों ने एजेंसी भेज के ड्रेन लाइन, ड्रेन चौकअप का जो टूटा हुआ चौकअप था, ड्रेन लाइन था, उसे रिपेयर कराया। और आज कहीं ना कहीं नागरिकों की ताकत सिडको को समझ में आ गई। इन सब के पीछे हमें पुलिस का भी काफ़ी योगदान, सपोर्ट मिला और इसी के साथ साथ आमदार प्रशांत ठाकुर जी ने भी काफ़ी सहकार्य हमें किया, जिसके वजह से आज हम सब नागरिकों को सेक्टर 3 और 4, वार्ड क्रमांक 5 के सेक्टर 3 और 4 के नागरिकों को ये सफलता मिली। लेखी में हमें सिडको ने दिया हुआ है, मैं सभी नागरिक जो लोग आए थे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, हमें अपनी इस लड़ाई को आगे भी ऐसी जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि सिडको ये जानती है कि जब तक कोई आंदोलन या कोई ऑफिस में हमारे हमें काम करने देता नहीं, तब तक हमारी आँखें खुलती नहीं है। फिलहाल नागरिकों के इस तीव्र आंदोलन और नारेबाजी से सिडको प्रशासन झुकता नजर आया। अधिकारी संजय पुड़ाले ने लिखित आश्वासन जारी करते हुए सोसाइटियों में नियमित जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बदलने और सड़क सुधारने तथा तत्काल स्वच्छता कराने का भरोसा दिलाया। अलबत्ता इस दौरान खारघर पुलिस ने युवा नेता अमर उपाध्याय समेत दर्जनों नागरिकों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। उम्मीद है इस आंदोलन के बाद सिडको प्रशासन प्रभाग 6 के नागरिक समस्याओं का समाधान जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।